ये देखो। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बेसिकली सीन ये हो गया कि अभी सामने एक्सीडेंट हुआ और वो रिकॉर्ड मैंने कैमरा ऑन रखा था बट रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की यार। जस्ट मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगा कैमरा ऑन है बट वो कैमरा ऑन नहीं था। गलती हो जाती इंसान से कभी, बट दिल एकदम से धक धक करने शुरू हो गया था जैसे ही एक्सीडेंट हुआ। तो भाई सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं, चल रहे हैं हम जोन बाय द पार्क, वहाँ से हम लेंगे बाइक एंड वहाँ से आएंगे वापस। सो वीडियो को यहीं तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये देखो ये लोग चाहते क्या है मुझे ये नहीं समझ आती। साइड मिरर्स लगाए नहीं, इनको क्या पता लगेगा कोई साइड में चल रहा है नहीं चल रहा, ये बस अपनी धुन में है और इनको नहीं मालूम, ये सिर्फ आगे का फोकस करें, पीछे का कुछ नहीं है इनको पता। तो भैया साइड मिरर कंपनी ने अगर दिए तो मैं बताऊं क्यों दिए आप लोगों को, अगर नहीं पता साइड मिरर इसलिए होते हैं कि ताकि आप बैक साइड से कोई आपको ओवरटेक कर रहा है या नहीं कर रहा वो चीज़ें आपको पता चल जाते हैं इजीली। एंड मुझे बताया कि मैंने ये स्टॉक वाइजर लगा लिए है तो व्यू ऐसे अच्छा आ रहा है या पहले अच्छा आ रहा था। मेरे को लगता है मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया, मुझे लगा ऑन है और मैं चल दिया अपना उसके लिए। जब मैंने एक्सीडेंट सब हो गया उसके बाद देखा कि यार सीन गलत हो गया। जल्दी एक वीडियो आने वाली है जो कि मेरे ट्रिप के बारे में होगी, उसमें क्या क्या सही रहा क्या गलत हुआ, क्या आपको होटल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, पेट्रोल बजट कितना है, रूम रेंट कितना, फूड का हर एक चीज़ बताऊंगा आपको उस वीडियो में कि खाने से लेकर हर एक चीज़ का खर्चा कितना होगा, वहाँ पे रहने का, घूमने के लिए एंड परमिट हर एक चीज़। सो भाई अब अपनी बाइक लगाएंगे हम होटल में और वहाँ से लेंगे जो बाइक सर्विस करनी है। कुछ लोग जिन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, रास्ते तक कॉल किया और मेरे को लेह लद्दाख की ट्रिप में सपोर्ट किया कि भाई मैं थोड़ा ऐसे बहुत क्या बोलूँ मैं, बहुत अजीब सा सीन हो गया था वहाँ पे जो कि आपको बताऊँगा मैं वीडियो में। तो कुछ लोगों ने मेरे को इतना साथ दिया ना यार, स्पेशली मेरी फैमिली ने और कुछ फ्रेंड्स ने। सो गाइस अब आप सोचेंगे कि मैं किस पे आ गया भाई, बुलेट पे। बेसिकली बाइक तो अच्छी है बट देखते हैं क्या कमी बेशी रह गई थी इसकी और बाइक में थोड़ा बहुत कमी बेशी लग गई थी मुझे चलाने में। बाकी अब शॉप पे जाके देखते हैं क्या क्या कमी पेशी है। सो गाइस अगर आपको अपनी बाइक की सर्विस करवानी है या स्कूटी की सर्विस करानी है, आप नहीं सकते अपने ऑफिस में है, कोई टेंशन नहीं है भाई, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपसे आपकी बाइक या स्कूटी जो भी है आपके ऑफिस या कहीं पे भी हो वहाँ से वो पिक करेंगे एंड सर्विस करके वापस रिटर्न कर देंगे। आपको ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरी डोमिनार आपके पास ही रहेगी चलाने के लिए नहीं खड़े होने के लिए, वो नहीं मैं दे सकता चलाने के लिए, बाकी आपकी बाइक आपको सर्विस के लिए तो सर्विस होकर मिल जाएगी। और भाई यही थी बुलेट जो चढ़ नहीं पाई, लेकिन इसी यही बुलेट थी जो पंचर भी ना हो पाई, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन था कि कहाँ ही चलती यार वो। अब क्या सीन है भाई, कितने सीन होते रहते हैं यहाँ पे सारे घुसा इधर ही। अब क्या हुआ, मुझे लगता कोई एक्सीडेंट हो गया यार। कोई एक्सीडेंट हुआ भाई साहब, देखते हैं क्या हुआ है, कुछ गंदा ही एक्सीडेंट हुआ है। सरदार है कोई, हाँ ओ भाई देखते हैं क्या सीन है यार, लगी तो नहीं है। क्या हुआ भैया, टायर फट गया तो लगी कहीं पे क्या? एकदम सही हुआ, जो भी हुआ ऐसे मेरे सामने आगे पॉकेट में डालो। हॉस्पिटल लेके जाना भैया, नंबर 9 सिटी टाइम।
भैया स्कूटी साइड में लगा दो, ज्यादा लगी हुई है। So guys, ये हुआ सीन की टायर फट गया चलते चलते, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया, देख सकते हो आप। ओए So guys, वो लेके जा रहे हैं फाइनली हॉस्पिटल के लिए। तो सामने सामने आज दो एक्सीडेंट हो गए, एक रिकॉर्ड हो गया था, एक रिकॉर्ड बेसिकली देखो जो पहले हुआ था वो बिल्कुल मेरे सामने ही हुआ था, इन बाइक को लगी थी। वो देख रहे हो भाई, उसको लगी है हॉस्पिटल तक। सो भाई अपनी देखो, आपने बाइक स्कूटी देखी होगी, स्कूटी बिल्कुल नहीं थी। तो उस देखो यार, जब लिखी है और ध्यान से चलाना है यार। अब तुम इतनी तेज़ में नहीं, वैसे वो स्पीड में भी था, नॉर्मल स्पीड में था, टायर एकदम से फटने के कारण एक्सीडेंट हो गया। एंड लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड सॉरी, वो टूट गया भाई का, एंड थोड़ी बहुत और लगी है उसको। एंड जो सुबह हुआ उस टाइम में मेरा कैमरा ऑन था बट मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया, वहाँ पे भी उस टाइम पे भी एक्सीडेंट हुआ था, देख सकते हो। लोग यहाँ से डाइवर्ट मारे सोच रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, बट उनको नहीं पता कि आगे एक्सीडेंट हुआ है। और ये ट्रैफिक पुलिस वाले साहब सोए हुए हैं, अब जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो एम्बुलेंस तो आई नहीं, बट जो लोकल लोग थे उन्होंने अपनी गाड़ी में, ये देखो यहाँ पे जा रहे हैं, ये अब जा रहे हैं, ये जब तक जाएंगे तब तक वहाँ पे खाली हो जाएगा। एंड सुबह एक मेरे सामने सामने एक्सीडेंट हुआ, जो कि यार बिल्कुल जब मैं अपने डोमिनार पे आ रहा था तो बिल्कुल मेरे आगे गिरा। उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था, अगर होता तो मैं आपको वो भी दिखाता कि भाई सुबह के टाइम मैंने देखा कि ये देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकदम से आगे पीछे होते हैं, इन वजह से भी एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं। आज का दिन बेसिकली मुझे लगता है कि जो आज का जो मेरा ब्लॉग का दिन था वो उसमें कुछ अच्छा नहीं था, बेसिकली वी एक्सीडेंट्स ही देखे मैंने दो। एंड बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ यार, कभी भी जाते हैं कहीं पे भी तो हेलमेट पहना कीजिए, शूज़ पहन लीजिए ताकि अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, एंड और कुछ नहीं यार, अपनी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूँ सुबह कहाँ एक्सीडेंट हुआ एंड किस वजह से हुआ, ये भी दिखाता हूँ एक्सीडेंट हुआ वो किस वजह से हुआ एंड कहाँ हुआ। ये गाड़ी थोड़ी आगे निकली ना, बेसिकली वहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, वहाँ से थोड़ी बहुत जो बजरी है ना छोटी वाली, वो देखो यहाँ पे गिरी हुई है, और यहाँ पे एकदम से गाड़ी वाले ने थोड़ा जगह नहीं दी, वो बंदा कंफ्यूज हो गया, उसने बजरी देख के और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, तो उसने एकदम से ब्रेक मारी, जिस वजह से वहाँ पे वो स्किट हो गई और नीचे स्कूटी गिर गई। सो भाई सोच समझ के चलाया करिए, कीजिए रोड्स का आजकल कुछ पता नहीं कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या ख़राब हो रहा है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।